जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रो रामोतार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। धनु राशि का नवंबर माह का राशि फल, इस राशि वालों के लिए विशेष परिवर्तन व्यापार में, नौकरी में तरक्की कैसे होने वाली है, मैं विस्तार से बताऊंगा। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें। नए दर्शकों में बहुत बहुत स्वागत है। नए लोग जो हमारे संस्थान जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक है, सतोगुणी है, ईमानदार है, समाज सेवक है और कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ साथ व्यक्ति ईमानदार के साथ भी रहता है। तो धनु में अब गुरु आपके 20 नवंबर तक जो है धनु राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा भी साथ में रहेंगे। गजकेश योग बना हुआ धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। शनि की 7:30 चल रही है मानता हूँ, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके शनि सम फल देगा। शनि आपके द्वितीय भाव विराजमान है मकर में, तो धन का आपका अच्छा आगमन होगा दोस्तों से, कुटुंब से, परिवार से। और खान पान की जो चीज़ें बदलना चाहते हैं या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। शनि की 7:30 में ऐसा नहीं है दर्शकों, बहुत अच्छा फल भी मिलता है। शनि न्यायाधीश है, जज है, अच्छा फल देकर आपके जीवन बढ़ाना चाहता है। आपका जो स्वास्थ्य इस माह बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि कोई विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में कोई रणनीति बनाना चाहते हैं या कोई अच्छा बहुत बड़ा मुकाम परीक्षा देकर पास होना चाहते हैं या उनके मन में कोई अच्छा विषय चेंज करना चाहते हैं धनु राशि वाले, वो कर सकते हैं। उनका योग अच्छा बना हुआ है, मंगल योगकारी है चतुर्थ में और कहीं ना कहीं लग्न चतुर्थेश भी योगकारी बना हुआ है, जो जीवन में अच्छा रहेगा। राहु षष्ठी विराजमान है वृषभ राशि में, ऐसे में क्या जो आपके अंदर अवगुण हैं वो पूरे हो जाएंगे। उनके अंदर कोई ना कोई पर्दा ढांक देगा, आपको अच्छा प्रभाव बना रहेगा। षष्ठ का राहु आपके जीवन में नई रणनीति बनाएगा और शुभ समाचार देगा, शत्रु नष्ट करके आपको विजय की पताका लहराएगा। सूर्य शुक्र आपके दशम में विराजमान है, ऐसे में शुक्र नीच का हो जाता है, पर कोई नहीं, इसके साथ आप दशम में आपका सूर्य बलिष्ठ हो जाता है। इसमें आपके पिता जो सपोर्ट सरकारी राजनीति में या कंटर जैसे कोई जीवन में आप कोई नया काम करते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बुध आपका चतुर्थ में विराजमान, तो बुध आपका आय में विराजमान है, तो आय का जो धन है रुकावट आ रही है वो पूरी होगी और आपको सफलता मिलेगी। केतु आपका 12वां हो गया व्यय में, तो आपके ध्वजा पताका की तरह लहराएगा, धन को कम खर्च करेगा और आय को बढ़ाएगा। और कोई आपकी यात्राएं कराएगा विदेश से संबंधित, इंडिया में यात्रा करा के आपको शुभ समाचार देगा। धनु राशि वालों के लिए विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 14 नवंबर 2020 को दिन शनिवार को दिवाली का दिन रहेगा। इस दिन महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है आप जानिए। कमल का फूल लाएं अपने घर में, कुटुंब के साथ बैठें, रात में पूजा करें, फूल को खोलकर उसमें सिक्का का चांदी का सिक्का रख दें, हल्दी का टीका करें, उनको मंत्र बोलकर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का मंत्र बोलकर लक्ष्मी की पूजा करके उनको चरणों में चढ़ाएं, उससे आपके धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वरदान रहेगा, बहुत अच्छा योगकारी फल मिलेगा। दूसरा, आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप दुखी हैं, उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा करें या ये पोखरा रत्न धारण कर सकते हैं। इटालियन पोखरा रत्न धारण करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। पद प्रतिष्ठा संतान का जो कारक होता है, मान सम्मान का गुरु होता है, गुरु आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जीवन में आपको हर काम में काम सफलता है, आपके कदम चूमेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि समय का अभाव के साथ साथ क्या होता है कि आप जो समय से पहले आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती, लास्ट में आपका काम खराब हो जाएगा, हो जाता होगा, आप अंदर से असंतुष्ट हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, उसके कारण आप भयभीत हो जाते हैं, आपका मनोबल गिर जाता है। मैं जान सकता हूँ, ऐसा आपको उदास नहीं होना है। आपका ग्रह बहुत बलिष्ठ होता है, गुरु स्वामी होता है राशि का। हर किसी व्यक्ति की दो राशि होती है, जन्म की और प्यार का। तो पहले कुंडली को विवेचन कराएं, उसके साथ आगे बढ़ें, तब आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके जो इष्ट देव होते हैं वो गुरु होते हैं या हनुमान जी होते हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की या हनुमान जी की, उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा और कहीं ना कहीं आपका मन लगेगा। धनु राशि वाले आध्यात्मिक तो होते होते हैं और हर रणनीति में ज्ञान में इन्वॉल्व होकर साथ देना चाहते हैं और साथ बढ़कर आगे चाहते हैं बढ़ना, तो अपना ध्यान रखें। दर्शकों, समय का अभाव होता है, हम आपको बताएंगे। जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716, 01204108727, ईमेल आईडी है
वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।